चलिए भाई, तो मैंने बोला था कि आपको मैं जैसे ही सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं मैं उसके भी रिव्यू करूँगा। पहले शिफ्ट का रिव्यू जैसे आपको अच्छा लगा उसी तरह सेकंड शिफ्ट का, थोड़ा लेट हो गया मैं क्योंकि प्लस क्लासेस थी। चलिए तो अभी मैं आपको जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन की रिव्यू कर देता हूँ, साथ ही साथ मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखिए सुबह भी मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए थे वो शाम के सेट में पूछ लिए गए हैं, तो ये रिव्यू जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ कोशिश करें उसको लिखने की, और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ उसको फायदा होगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चंस देख पाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया था? देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको कि अनटचेबिलिटी को किस में रखा गया, तो वो आर्टिकल 17 में सबको पता होगा। अब देखिए आपको अगला क्या पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है कास्ट के क्रीड पे भेदभाव, तो आर्टिकल 15 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 15 भी पूछा जाएगा आपको, या आपको पूछा जाएगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को किस में रखा गया है, ये सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। या फिर हमारे डीपीएसपी को, जैसे 36 से 51 में क्या हो जाएगा हमारा डीपीएसपी हो जाएगा, तो ये 12 से 35 में क्या हो जाएगा हमारा जो है वो फंडामेंटल, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? 33+1। करंट में पूछा जाएगा कि भाई हमारे करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वो एन वी रमन्ना हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 92वें संविधान संशोधन 2003 में किसे संबोधित, तो संथाली बोली डोंगी मैथिली इन भाषाओं को जो है संशोधन हुआ था। यमुना कैसी संज्ञा है? तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है यमुना अगर पूछा जाएगा। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? अमिताभ घोष को, ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। किस किताब लिखने के लिए दिया गया था? द सर्किल ऑफ रीजन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा द सर्किल ऑफ रीजन के लिए 54 को दिया गया था। प्लस अगर पूछा जाएगा आपको कि इनके बाद अगर पूछा जाएगा अमिताभ घोष के बाद 2019 में भी दिया गया, वो दिया गया आपका जो है मलयालम कवि है, बड़ा अच्छा सा नाम है, अक्कीतम अच्युतम नुबुदरी नाम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा अक्कीतम अच्युतम नुबुदरी को दिया गया, वो पूछा जा सकता है आपको 55वां, जो कि पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। आईपीसी धारा 295 किससे संबंधित है? धर्म संबंधी अपराध से संबंधित है, ये भी काफी अच्छा। अमिताभ घोष की कई सारी किताबें आपको पूछी जा सकती हैं, ध्यान रखिएगा हैंडमेड टेल्स हो गया, नटमेग कर्स हो गया आपका, कोलकाता क्रोमोजोम हो गया, ये सारे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय संबंधी पुनर्विचार से, ठीक है। देन मैंने आपको कल भी बता, सुबह वाले भी सेशन बताया था कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, या फिर आपका फ्री जुडिशरी हो गया, या फिर आपका जो है कि जुडिशियल रिव्यू हो गया, ठीक है, या फिर आपका राष्ट्रपति हो गया, या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, या इम्पीचमेंट हो गया, ये सब हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ये सब हमने यूएसए से लिया हुआ है। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ये आता है आपका डीपीएसपी के तहत आता है, मैंने बताया 36 से 51 तक क्या हो जाएगा आपका डीपीएसपी हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है, जबकि 51A अगर पूछ लेता है यहाँ पे तो वो हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य 100% पूछा जाएगा, जिसको भाग 4A में रखा गया और डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको 51A पूछा जा रहा है, या फिर डीपीएसपी को कितने से कितने भागों के आर्टिकल के तहत रखा गया, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल आपको पूछा गया था, विटामिन डी का भी पूछा गया था, नहीं सारे विटामिन के नाम पूछे जाएंगे। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित है। भारतीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? मानेश्वर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। उसके अलावा आत्मजेई किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। मैंने सारी जो हिस्टोरिक बुक है वो प्रेजेंट कर रखा है, वो भी देख लीजिएगा। सांगली घोड़े दौड़ना है इसमें कौन सा मोहरा है, यानी अपनी बातें करना, सांगली घोड़े दौड़ाना इसमें किससे संबंधित है? तो अपनी बातों से संबंधित है। महान्यायवादी, देखिए आपने देखा होगा मैंने अपॉइंटमेंट का एक सेशन प्रेजेंट किया है, जिसमें मैंने आपको कल बताया था एजीआई भी बताया था कि के वेणुगोपाल है, तभी कहा था कि इनको आर्टिकल 66 में रखा गया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया महान्यायवादी को कहाँ रखा गया है, तो वो आर्टिकल 66 में हो जाएंगे। और कौन है करंट में? के वेणुगोपाल है। अनुच्छेद 334 में क्या रखा गया? एससी एसटी रिजर्वेशन को रखा गया 334 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया हुआ अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो। आर्टिकल 148 किसको रखा गया? सीजीए, ये भी कल मैंने आपको बताया था 14वें नंबर के सीजीए हमारे हैं अभी करंट में, कौन हो जाएंगे? वो जाएंगे जीसी मुर्मू, ठीक है, ये भी मैंने कल ही आपको बताया था, अपॉइंटमेंट वाला अगर सेशन देखेंगे तब, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन सुबह ही बताया था आपको, जीएसटी से संबंधित है। 161वें नंबर की हमारी कंट्री है जिसने जीएसटी लागू किया, हमने कनाडा से जीएसटी लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने लागू किया था 1954 में, 4 तरीके के जीएसटी है आपका, जो है कि सी जीएसटी हो गया, आई जीएसटी हो गया, एस जीएसटी हो गया, यूटी जीएसटी हो गया, ठीक है। 5 तरीके की दरें हैं, 05, 05, 12, 18, 28, यानी 05, 12, 18, 28, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? तो देखिए 3 तरीके क्या है हमारे यहाँ आपातकाल है, 352, 356 और 360, जिसमें नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी 352, 356 में आ जाएगी आपकी स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फाइनेंस इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा 352 जो है हमारी नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, 2 बार एक्सटर्नल, 1 बार जो होगा हमारा इंटरनल, जो कि आपको
पूछा जा सकता है 1962, 1971 और 1975, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। और अगर पूछा जाएगा स्टेट इमरजेंसी कई बार लगी है, सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लगी है, सबसे पहली बार पूछा जाएगा तो पंजाब में लगी है, 360 एक बार भी नहीं लगी है, तो ये पूछा जा सकता है। कहाँ से हमने लिया है, तो जर्मनी से हमने लिया है अपना राष्ट्रीय आपातकाल, ये भी पूछा जा सकता है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 44 में, जो यहाँ पे आपको समान नागरिकता इक्वल सिटीजनशिप बताया गया। यूपी का नेतृत्व कौन सा हो जाएगा, चरकुला, मैंने आपको बताया, आपने देखा कई बार मैंने बोल रखा कि चरकुला नेत्य होता है, जिसमें बैलों को हाँकने वाला नेत्य होता है चरकुला, जो कि आपको पूछा जाता है। कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे जाकर के आपको रासलीला भी पूछा जा सकता है, कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वात्सल्य किसकी रचना हो जाएगी, सूरदास की रचना हो जाएगी। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, तो वो हो जाएगा स्थावर आपका, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको हिंदी के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जनसेवा पोर्टल किस राज्य सरकार का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। कई सारे स्कीम्स पूछी जा सकती हैं, देखिए शक्ति परियोजना पूछी जा सकती है, टीम 11 पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, कृषक दुर्घटना योजना पूछा जा सकता है, उसके अलावा कन्या सुमंगलम योजना पूछा जा सकता है, ऑपरेशन लंगड़ा पूछा जा सकता है। ये सब जो है हमारा उत्तर प्रदेश में चलाया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे उत्तर प्रदेश में चलाए गए। राष्ट्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। राज्यपाल की भी अपॉइंटमेंट करते हैं, यूपीएससी चेयरमैन के जो होते हैं उनकी भी, यूपीएससी मेंबर जो होते हैं उनकी भी करते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो वो राज्यपाल हटा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्यपाल को किस आर्टिकल में हटाया जा सकता है, तो राज्यपाल को नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनके खिलाफ इंपीचमेंट नहीं लाई जा सकती है, ठीक है। अगला है बोलने की आजादी किस अनुच्छेद में, 19 देखिए वहां पे मेंशन किया गया था, ये भी यानी मोस्टली क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से संबंधित, और कल मैं आपको आर्टिकल का एक पूरा वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा, सुबह में भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। पूना पैक किसके किसके बीच हुआ गया, कितनी बार मेरा पढ़ाया गया क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर 1932, कई बार आपको पढ़ाया गया है। 8 डिग्री चैनल किससे संबंधित है, मालदीव और मणिकर्ण से संबंधित हो जाएगा। 10 डिग्री पूछा जाएगा, तो अंडमान और निकोबार से संबंधित हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ से है, इटली, ये भी पढ़ाया गया हुआ क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, सिक्किम, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप पिछले सेशन सिर्फ उठा के देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ाए, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, जो अकेडमिक मेरी फ्री क्लासेस देते हैं या फिर यहाँ पे फ्री क्लासेस देते हैं, उन्होंने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, 1885 में, डब्ल्यू सी बनर्जी है, ये भी मैंने बताया। 1907 में भी मैंने बताया इनको दो भागों में बांट दिया गया, नरम दल गरम दल, वो भी मैंने आपको बता रखा है। और उसके अलावा 1985 अगर पूछा, 1885 में, 1885 में अगर पूछा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट किसने करी, ए ओ ह्यूम ने करी है, वो भी मैंने बता रखा है। जॉर्ज यूल पहले अध्यक्ष हो जाएंगे अंग्रेज अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा सरोजनी नायडू हो जाएंगी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो सॉरी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। पद्मावत किसकी रचना हो जाएगी, मलक मोहम्मद जायसी की रचना हो जाएगी, जो कि पूछा जा सकता है। भारत में 40वां यूनेस्को साइट कौन सा है, धोलावीरा, अभी जस्ट सुना गया, आपको पूछा जा सकता है। कन्नौज की लड़ाई आपको पता है हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई है, ठीक है, 1540 में, जिसको बिलग्राम का भी युद्ध कहा जाता है, जिसमें दूसरी बार शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, पूछा जा सकता है। हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, तो दीन बना की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की डेथ हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है। अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार के अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार है। घास फूस का, घास फूस में कौन सा समास हो जाएगा, तो वो जब दो चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका, द्वंद समास। भक्त भक्तमल के रचयिता कौन हो जाएंगे, नाभादास और नारायण दास, कई सारी किताबें पूछी गई हैं। रानी केतकी की कहानी सबको पता होगा, ईसा उल्ला खान सबको पता होगा, क्योंकि काफी ईजी और कई बार पूछा गया है। राम किताब पढ़ता है, इसमें कौन सा वाचक है, तो कृतवाचक है। योजना जो योजक का चिन्ह कौन सा है, तो देखिए वहां पे आपको दिया भी गया था पेपर में, तो ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो हो जाएगा मंगल सूत्र, ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद जी का अगर अधूरा उपन्यास पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मंगल सूत्र। तो देखिए ये आज के मुझे क्वेश्चन मिले थे, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इन्हीं को देख करके जाएगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन या इनके इर्द गिर्द के क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ताकि आगे वाले आने वाले सेट में अगर आपका पेपर होगा तो पेपर आपका बहुत अच्छे आने वाला है। बस ये कहूँगा रेगुलर रहकर के इन सेशंस का फायदा उठाइए, और जो भी आपको रिव्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं उसको जरूर देखिए, ठीक है। उसके अलावा आपको बताया मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अन अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए करना क्या होगा आपको, सिर्फ कुछ मत करिए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आप जो है अन अकेडमी टाइप करिएगा, वहाँ पर अन अकेडमी एप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अनलॉक कोड मांगेगा, अनलॉक कोड कर अप्लाई करिएगा vimreach@14, उसके बाद वो अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, जो कि आपको सारे पढ़ाएंगे, मैं भी उसमें मिल जाऊंगा आपको। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो कंप्लीट सिलेबस हो गया, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हो गए, लिमिटेड ई नोट्स हो गए, आइकॉनिक बैच कोर्स आपको है, एकलव्य बैच कोर्स है, वहाँ पर रेज हैंड का ऑप्शन है, जहाँ पे हैंड रेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन भी हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर आपको, तो 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के ऑप्शन है, जिसमें जो भी ठीक लगता है आप उसको चूज करिए,
उसके अलावा वहाँ पे आप कोड अप्लाई करें विमलेश एट 14, आपको जो है सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ हो जाएगा, 10% का कोर्स है, 10% का कॉइन्स है। पेपर रिव्यू रेगुलर होंगे, जैसे एग्जाम होगा मैं पेपर रिव्यू आपको प्रेजेंट करूंगा, और पेपर रिव्यू आपको अच्छा भी लगेगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं फिर से यही कहूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रिव्यू में।